रास्ते पे पंडित जी परमेश्वर बड़े ही अच्छे से स्कूटी चला रहे होते हैं। मेरी तरह किस्मत किसी की नहीं है, ऐसी किस्मत मानो कि बबल गम की तरह चिपक गई हो। चाहे कोई भी हालत हो, कोई भी परिस्थिति हो, ये किस्मत चिपकी ही रहनी चाहिए। इस तरह सोचते हुए तेजी से स्कूटी चला के वो शारदा के घर के सामने आके गाड़ी रोकते हैं। फिर गेट के पास आकर वो रुकते हैं। शारदा लॉन में ही एक सोफे के चेयर पे बैठी हुई थी। शारदा की नजर पंडित जी पे पड़ती है। पंडित जी आइए आइए। इस तरह बुलाने पे पंडित जी मुड़ के देखने लगते हैं। शारदा को देखकर पंडित जी को लगता है कि मानो साक्षात देवी लक्ष्मी हो। उसे देखकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं। माँ लक्ष्मी, मैं आया हूँ, सिर्फ आपके लिए ही आया हूँ। इतना कहकर परमेश्वर जी शारदा के पास जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अजी सुनते हैं पंडित जी आए हैं, इधर बाहर आइए। जब शारदा आवाज लगाती है, प्रसाद घर के अंदर से बाहर निकल आते हैं। फिर शारदा और प्रसाद दोनों एक सोफे पे बैठते हैं और पंडित जी एक सिंगल चेयर पे बैठ जाते हैं। पंडित जी, मेरे दोनों बेटे के लिए जरा रिश्ता देखिए। ना जायदाद चाहिए ना पैसे चाहिए, बस लड़की सुशील हो और आज्ञाकारी हो। जरूर माँ जी, आज से मैं अपना सारा काम काज छोड़ के बस इस घर के लिए अच्छी बहू ढूंढने के काम में लग जाऊंगा। इतना कहकर शारदा पैसों का पैकेट लेके टेबल के ऊपर रख देती है। परमेश्वर उस पैकेट को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ले लीजिए पंडित जी, ये पैसे आपके लिए है, पर जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही मुझे बहुए चाहिए, डबल पैसे दूंगी। हाँ ठीक है माँ जी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही ढूंढूंगा। इतना कहकर पैसों का पैकेट लेके पंडित जी स्कूटी पे बैठकर वापस चले जाते हैं। दिन, महीने, साल गुजर जाते हैं। पंडित जी मंदारपल्ली गांव में जाकर पहुंचते हैं। वहां एक मंदिर में देवी माँ के सामने वो हाथ जोड़ के प्रणाम कर ही रहे थे, तभी उन्हें वहां अनामिका नाम की एक लड़की दिखती है। वो हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही थी। उन्हें पंडित जी देखकर बहुत खुश होते हैं। वो अनामिका से बातचीत करते हैं, विवरण लेते हैं और फिर उसके घर पे जाते हैं। उसके पिताजी मोहन से वो मिलते हैं। हाँ जी, अनामिका मेरी ही बेटी है। मैंने अनामिका के लिए कच्चा रिश्ता देखा है, आपको राजी होना पड़ेगा। विवरण नहीं सुन के हम कैसे तैयार हो जाए। हाँ हाँ माँ जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। आपने जैत्रा ग्रुप ऑफ कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। हाँ सुना है पंडित जी, पर वो तो शहर में रहते हैं। हाँ, अब अनामिका उसी अमीर घर में बहू बन के जाने वाली है। उन्हें किसी भी तरह की जायदाद, संपत्ति या पैसे नहीं चाहिए, उन्हें बस एक अच्छी बहू चाहिए। ये सुनकर मोहन और सरला बहुत खुश हो जाते हैं। तब तक मंदिर से अनामिका भी घर लौट आती है। परमेश्वर पूरा विवरण देते हुए रमेश की तस्वीर वो अनामिका को दिखाते हैं। अनामिका को रमेश भी पसंद आता है। अच्छा हुआ, बड़े बेटे के लिए तो रिश्ता पक्का हो गया, अब छोटे के लिए ढूंढना पड़ेगा। फिर आप हमारे दूर के रिश्तेदार सुदर्शन की बेटी आरती है, उसे देखने के लिए जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर हमें लेकर चलिए। हमारी उनसे बातचीत नहीं होती है, पर लड़की बहुत ही सुशील और अच्छी है। फिर डिटेल में एड्रेस बताकर वो उन्हें भेज देते हैं। परमेश्वर सुदर्शन के घर जाते हैं। वहाँ सुदर्शन की बेटी आरती से वो मिलते हैं। पूरा विवरण देने के बाद वो विनोद की तस्वीर दिखाते हैं। शादी के लिए वो तैयार हो जाती है। इन खुशखबरी के साथ परमेश्वर शारदा के पास जाते हैं और अनामिका आरती के बारे में बताते हैं। फिर एक दिन शारदा अपनी गाड़ी में बैठकर अपने दोनों बेटे रमेश और विनोद को साथ लेकर मंदारपल्ली गाँव जाती है। पहले वो लड़की देखने के लिए सीधा अनामिका के घर पे जाती है। अनामिका उन्हें पसंद आती है। उसके बाद वो आरती के घर पे जाते हैं। आरती को देखकर उन्हें आरती बहुत अच्छी लगती है। शहर में एक बड़े से फंक्शन हॉल लेकर अनामिका का रमेश के साथ और विनोद की आरती के साथ धूमधाम से शादी होती है। वहां अनामिका और आरती एक दूसरे को देखकर मुंह बिचकाते हुए दरवाजे के पास खड़ी हुई होती है। तुम्हारे बारे में जोर घटाव करके ऐसे कहूंगी कि घर से निकल जाओगी। इस तरह मनी मन सोचते हुए वो घर के अंदर प्रवेश करती है। और उधर अनामिका, हम एक ही गांव से हैं और एक ही घर में बहू बन के आए हैं, एक दूसरे से बिना बातचीत किए हुए हम कैसे रह सकते हैं, वही मुझे देखना है। मेरी जितनी भी शादियां तय हुई,
आलतू फालतू की बातें करके सब तुम लोगों ने तोड़वाया था। अब मैं भी सासू माँ से ऐसी बातें कहूंगी कि वो तुम्हें पकड़ पकड़ के पीटेगी। इस तरह मन ही मन सोचते हुए अनामिका उस घर में कदम रखती है। दिन निकल रहे थे। अनामिका एक दिन चाय बनाती है। अभी मैं सासू माँ जो हॉल में बैठी है उन्हें चाय दूंगी। सासू माँ कहेगी उसे भी चाय पिलाने के लिए। मैं चाय में मिर्च पाउडर मिला के उसे पिलाती हूँ। इस तरह सोचते हुए चाय कप में डालकर वो हॉल में लेके आती है। शारदा को वो अच्छी चाय पिलाती है और आरती की चाय में वो मिर्च पाउडर डाल के उसे देती है। चाय पीते ही आरती सोफा से कूदते हुए सीधा नीचे आके गिरती है। उसके आँख, नाक, कान सभी जगह से धुएं निकल रहे थे। देखकर अनामिका मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। आरती को बड़ा गुस्सा आता है। अब जैसे का तैसा मैं करती हूँ, इस तरह सोचती है। तभी शारदा उससे पूछने लगती है, क्या हुआ है छोटी बहू, इस तरह तुम सोफे से नीचे क्यों कूदी? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ माँ जी, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था इसीलिए मैं सोफे से नीचे गिर गई। इस तरह कहकर अनामिका को वो देखती है। अनामिका वहाँ से सीधा किचन के तरफ चली जाती है। एक दिन जब अनामिका पौधों पर पानी डाल रही होती है, शारदा और प्रसाद आके सोफे पे बैठते हैं। अरे बड़ी बहू, पौधों पर पानी डालने के बाद जाके कमरा साफ कर देना। ठीक है माँ जी। इधर जब अनामिका पौधों पर पानी दे रही थी, उधर आरती जाके मोटर ऑफ कर देती है। अब चूंकि पाइप में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए अनामिका पाइप को शारदा के तरफ करके उसे देख रही थी। तभी अचानक से आरती मोटर ऑन कर देती है और पानी पाइप से होकर सीधा जाके शारदा के ऊपर गिरने लगता है। सासुमा शारदा गुस्से से बहू अनामिका को देखने लगती है। अनामिका को समझ में नहीं आ रहा था कि एक पल में पाइप का पानी कैसे बंद हो गया और फिर अचानक से कैसे आ गया। काफी देर तक अनामिका इस बारे में सोचती रहती है। फिर आरती की मुस्कुराहट देखकर उसे समझ में आता है कि ये पूरा कांड आरती का ही किया धरा हुआ है। ये क्या किया बहू तुमने? माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई, आइंदा इस तरह की गलती नहीं होगी। इस तरह कहने पे शारदा बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। अनामिका गुस्से से पाइप को नीचे फेंकती है और मुस्कुराती आरती के पास आकर उसे गुस्से से देखते हुए कहती है, देखो मैं तुम्हें अच्छे से कह रही हूँ, मेरे रास्ते में मत आना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं भी आपसे वही बात कहना चाहती हूँ, अपने दिमाग में घुसा लो तो बेहतर होगा। इस तरह से कहकर आरती वहाँ से चली जाती है। तुम्हें मैं सबक अब सिखा के रहूंगी। इतना कहकर वो घर के अंदर चली जाती है। फिर एक दिन शारदा अपनी साड़ियों को बिस्तर पर रखी हुई होती है। आरती, आरती, इस तरह बुलाने पे आरती शारदा के पास जाती है। हाँ माँ जी। इन साड़ियों को अच्छे से फोल्ड करके जाओ अलमीरा में रख दो। ठीक है माँ जी। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। अनामिका दरवाजे के पास खड़ी होकर आरती को कपड़े फोल्ड करते हुए देखती है। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ कि सासू माँ कैसे डांट लगाती है। इतना सोचकर वो वहाँ से चली जाती है। ठीक उसी वक्त आरती की माँ उसे फोन करती है। आरती खुशी खुशी फोन लेके बात करते हुए बाहर निकल आती है। मौका देखते ही अनामिका कैंची लेकर शारदा के कमरे में जाती है और साड़ियों को काट देती है। फिर जैसे उसे कुछ पता ना हो ऐसा भाव करते हुए वहाँ से वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद शारदा कमरे में जाती है, देखती है आरती वहाँ पे नहीं है। अनामिका, अनामिका, इस तरह बुलाते हुए वो अनामिका के कमरे में जाती है। अनामिका इन कपड़ों को अच्छे से मोड़ के अलमारी में रख देना। अनामिका एक साड़ी उठा के उन्हें खोलकर दिखाती है। साड़ी जगह जगह से कटी हुई थी। माँ जी ये क्या है, ये जगह जगह से कटी हुई क्यों है? इस तरह कहकर वो उसे साड़ी दिखाती है। अनामिका के दिखाने पे शारदा को आरती पे बड़ा गुस्सा आता है। अनामिका फिर एक के बाद एक साड़ियाँ दिखाती है। सारी साड़ियाँ जगह जगह से कटी हुई थी। तभी उसे वहाँ पे एक कैंची दिखती है। वो कैंची उठा के शारदा को दिखाती है। तब तक आरती की भी बात हो जाती है। फोन रख के वो कमरे में आती है। अनामिका आरती को कटी हुई साड़ियाँ दिखाती है। ये क्या है बहू, अगर तुम्हें जो मैंने काम दिया वो करना पसंद नहीं है तो मुँह पे बता दो, इस तरह काटने की क्या जरूरत थी? सच कह रही हूँ माँ जी, मैंने ये सब नहीं किया, मुझ पे भरोसा कीजिए। आइंदा ऐसा मत करना बहन, सासू माँ कुछ भी नहीं कह रही है, वो तो हमें अपने बच्चों के तरह लाड़ प्यार कर रही है। ये सुनते ही आरती को बड़ा गुस्सा आने लगता है। सासू माँ के सामने तुमने मेरी ऐसी बेइज्जती की है, अब तुम्हें मैं मजा चखाऊंगी।
फिर वहाँ से शारदा और अनामिका दोनों चली जाती है। आरती सारी साड़ियों को अच्छे से फोल्ड करके अलमारी में रख देती है। एक दिन शारदा, प्रसाद, रमेश, विनोद, जब सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे, आरती और अनामिका वहाँ आती है। शारदा सीसीटीवी फुटेज निकाल के उन्हें दिखाती है। वो देखकर अनामिका और आरती दोनों आश्चर्य हो जाती है। ये क्या बहुरानी, तुम लोग दोनों एक ही घर से हो, तुम लोगों को तो अच्छे से प्यार से रहना चाहिए, पर तुम दोनों ऐसी हो। इस तरह कहने पे दोनों बहुओं को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन से वो दोनों बहुएं अपना अपना काम बांट लेती है। अपने अपने काम के साथ साथ वो सभी लोगों का अच्छे से देखभाल करती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। और इस तरह शारदा का परिवार एक सुखी परिवार बन जाता है। वो रविवार का दिन था। बहू अनामिका घर के आंगन में ही हरीश और भव्या को बैट बॉल देती है और खेलने के लिए कहती है। भव्या बैट पकड़ती है और हरीश बॉल लेता है। माँ, मैं पहले कह देता हूँ, आउट मतलब आउट। बाद में ये मत कहना, वो तुम्हारी छोटी बहन है, वो रोने लगेगी, ये सब बहाने। पहले बॉल तो डालो, वो देखो दूसरी तरफ, तुम्हारी बहन छह मारने के लिए बिल्कुल रेडी है। हाँ भैया, अब बात करना बंद करो और बॉल फेंको। दे रहा हूँ बहन। क्या छह मारोगी? छह? हरीश तेजी से गेंद फेंकता है। भाव्या भी बिना डरे हुए एक शॉट लगाती है और बॉल हवा में उड़ते हुए पड़ोसी के घर पे जाके गिरता है। सिक्स! अनामिका जोर से चिल्लाती है। भाव्या भी बहुत खुश होती है, पर हरीश चेहरा बनाकर जाता है बॉल वापस ले आने के लिए। तभी महिला संघ की ग्रुप लीडर सावित्री हाथ में एक कवर लेके घर पे आती है। रिश्ते में वो अनामिका की चाची लगती थी। भव्या, तुम और भैया लड़ाई मत करो, अच्छे से यहीं पे खेलो। मैं सावित्री चाची से बात करती हूँ, फिर उन्हें छोड़कर आती हूँ। ठीक है माँ। अरे अनामिका, तुम्हारी सास है क्या? हाँ चाची, आइए ना घर पे। इस तरह कहकर अनामिका सावित्री को अपने साथ अंदर ले आती है। शारदा सोफे पे बैठकर टीवी देख रही थी। उसने सावित्री और अनामिका को घर के अंदर आते हुए नहीं देखा। माँ जी, देखिए सावित्री चाची आई है। चिट्ठी का पैसा लाई है क्या? कह के वो हड़बड़ा के सावित्री को देखने लगती है। अगर मैं नहीं लाऊं तो तुम मुझे छोड़ दोगी दीदी? कहते हुए वो शारदा के पास में जाके बैठती है। अनामिका, जाओ जाके दो कप चाय लेकर आओ। ठीक है माँ जी। अरे बहू, अभी चाय पानी कुछ नहीं चाहिए, सुबह ही मुझे सेविंग्स के 1,00,000 रुपए मिले हैं। आओ तुम भी अपनी सास के बगल में आके बैठो। अच्छा ठीक है चाची। खड़े खड़े पैसे नहीं गिन पाओगी बहू, शारदा के बगल में बैठ के गिनो। इस तरह बार बार कहने पे अनामिका जाके शारदा के बगल में बैठ जाती है। सावित्री पैकेट से निकाल के 2-2 50,000 की गड्डियाँ एक शारदा को और दूसरा अनामिका को देती है। अब तुम दोनों के पास 50,000 की गड्डी है, इन दोनों को अच्छे से गिन लो। इस तरह कहने पे शारदा और अनामिका दोनों ही उन गड्डियों को गिनने लगती है। 50,000 है बहन? हाँ, इसमें भी उतना ही है चाची। ठीक है शारदा, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। इतना कहकर सावित्री वहाँ से चली जाती है। बाहर बच्चे बैट बॉल लेकर खेल रहे होते हैं। शारदा अपने हाथ में 1,00,000 रुपए देखकर मनी मन बहुत खुश होती है। बहू, जरा सोने का भाव देखना। सोना क्यों माँ जी, हम कुछ व्यापार कर सकते हैं। मजदूरी करके घर चलाना कितना मुश्किल होता है ना, आपको तो सब कुछ पता ही है माँ जी। इस बात पर शारदा बिना कुछ कहे उन पैसों को लेकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। पैसों को अलमारी में रख के वो ताला लगा देती है। अनामिका के पास अब कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो फिर बच्चों के पास वापस आ जाती है। हरीश बैटिंग कर रहा था और भव्या गेंद डाल रही थी, साथ ही अनामिका एम्पायरिंग करने लगती है। फिर शाम होते ना होते मजदूरी का काम खत्म करके प्रसाद और रमेश घर लौट आते हैं। वो आके सोफे पे बैठते हैं। हरीश और भव्या अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करने लग जाते हैं। जल्दी से अनामिका पानी ले आकर प्रसाद और रमेश को पीने के लिए देती है। अरे बहू, तुम्हारी सास कहाँ है? हमारे आने पे तो वो हॉल में आ जाती है, आज कहीं दिख नहीं रही है। सेविंग ग्रुप चिट्ठी का पैसा आया है ना पिताजी? फिर तुम्हारी सास घर में कहाँ रहेगी, दुगना करने में लग जाएगी। ओह पिताजी, आप माँ को इस तरह क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा है ना कि अनामिका के सामने माँ के बारे में इस तरह मत कहा कीजिए। बेटा, तुम्हारी माँ से पहले वो मेरी पत्नी है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ,
तुम्हें अगर पसंद ना आए तो आँख कान बंद कर लो। इतनी ही देर में शारदा हॉल में आ जाती है। आके उनके साथ बैठती ही है तभी पड़ोस की पार्वती आ जाती है। शारदा दीदी। अरे ओ शारदा दीदी, घर पे है क्या? इस तरह प्यार से कहती है तभी हॉल में बैठे सभी पे उसकी नजर पड़ती है। अरे वाह, सभी लोग हॉल में ही हैं। फिर मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो तो हो ही जाएगा। मुझे पता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो पार्वती, वो काम तो नहीं होगा। जाओ जाओ खाना पकाओ। अरे शारदा दीदी, ये बात तो मैं कब से कह रही हूँ, आपने तो मिट्टी के लिए भी हाँ कहा था। पहले मैंने सोचा था पार्वती, पर अभी पता चला सोने का भाव बहुत कम है, इसलिए अब मैं सोना खरीदूंगी। इस बीच अनामिका घुस के कहने लगती है। अरे पार्वती चाची, सोना होना कुछ नहीं होगा। मेरे पति और ससुर जी कितनी मेहनत कर रहे फिर भी परिवार नहीं चल रहा है। हम सोच रहे हैं कि कुछ नया व्यापार शुरू कर ले। व्यापार व्यापार कुछ नहीं, सोना ही खरीदेंगे। सोना वोना कुछ नहीं होगा, व्यापार ही होगा। नहीं बहू, सोना होगा। नहीं माँ जी, व्यापार होगा। इस तरह अनामिका का जुबान लड़ाने पे शारदा को बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो अनामिका के पास आती है और उसके गाल पे कस के एक थप्पड़ लगाती है। अनामिका के गाल पे उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। अनामिका रोने लगती है। देखकर पार्वती वहाँ से भाग जाती है। रमेश और प्रसाद जो बैठे थे वो खड़े हो जाते हैं। बच्चे आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारा इतना अहंकार, मेरे मुंह पे तुम यहाँ खड़े खड़े जुबान लड़ाओगी? आप मुझे मारे या गालियाँ दे, मैं सोना खरीदने के विरोध में हूँ, करेंगे तो हम व्यापार ही। इस तरह सास बहू एक दूसरे को देखने लगती है और फिर से उन दोनों के बीच में लड़ाई लग जाती है। प्रसाद शारदा को संभालते हैं, रमेश अनामिका को संभालता है। फिर प्रसाद और रमेश अपनी उपस्थिति में हफ्ते का एक दिन निर्धारित करते हैं। देखो शारदा, बहू व्यापार करने की बात कर रही है, उसे व्यापार करने देते हैं, नहीं तो सोना खरीद लेंगे। अगर बहू व्यापार करेगी तो वो हमारे आसपास में ही करेगी, नहीं तो उस व्यापार को मैं कतई नहीं स्वीकारूंगी। हाँ ठीक है माँ जी, आपने जो कहा उससे मैं बहुत खुश हूँ। उस रात सभी के खान पान हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। हरीश और भाव्या शारदा और प्रसाद के पास जाकर सो जाते हैं। शारदा, पर बहू पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पर बहू मेरे खिलाफ जाके बोलेगी वो ठीक है, अगर आप इस तरह से फिर से बहू को सपोर्ट करेंगे तो मैं उसे फिर से जाके थप्पड़ लगाऊंगी, आगे आपकी मर्जी। ये सुनकर प्रसाद घबरा जाते हैं और मनी मन सोचने लगते हैं। हे भगवान, बेकार का सर दर्द लेना, शारदा पहले से ही गुस्से में है, फिर से जाके मार दी तो मैं ही जिम्मेदार हो जाऊंगा। नहीं नहीं। फिर वो सो जाते हैं। उधर रमेश के कमरे में, माँ के साथ जुबान नहीं लड़ाना था तुम्हें अनामिका, माँ बहुत दिनों से यही कह रही है कि उन्हें सोना खरीदना है, तो तुम उन्हें खरीदने दो ना, क्यों बोल रही हो बीच में? देखिए जी, मैं जानती हूँ कि अभी पैसे आ रहे हैं और मैं उसे व्यापार में लगाना चाहती हूँ। मैं घूम घाम के हर तरह के काम के बारे में पता किया है, सब देखने के बाद एक कुल्फी मशीन के बारे में पता चला है। क्या अनामिका, एग कुल्फी मशीन? हाँ जी, अभी तक किसी ने भी एग कुल्फी मशीन शुरू नहीं किया है। मशीन बहुत छोटी सी है, वो कम भाव में आ जाएगी। जो पैसे बचेंगे उससे हमें भाड़े पे एक दुकान लेना होगा और दो तीन चेयर खरीदने से हो जाएगा। जब वो कह रही थी, शारदा गर्म पानी और कपड़ा लेके उधर ही से जा रही थी। वो उसकी बातें सुन लेती है। अगर बहू को एक कुल्फी मशीन को लेकर इतना विश्वास है तो हमें इससे अच्छा मुनाफा मिलेगा, इस बार हम बहू की बात सुन लेते हैं। इस तरह सोचकर फिर वो अनामिका को बुलाती है। अनामिका आके दरवाजा खोलती है। शारदा कमरे के अंदर आती है और रमेश कमरे के बाहर जाके दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। शारदा और अनामिका में बातचीत होती है, फिर गर्म पानी और तौलिया से शारदा अनामिका के गाल पर सेक देती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। कोई बात नहीं बहू, तुमने कहा ना तुम एक कुल्फी व्यापार करना चाहती हो, जाओ तुम करो। शारदा की बातें सुनके अनामिका बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सभी लोग तैयार हो जाते हैं। शहर में एक दुकान भाड़े पे लेकर वो उसे अच्छे से डेकोरेट करते हैं। शारदा अच्छे से पूजा पाठ कर देती है और अनामिका एक कुल्फी मशीन की शुरुआत कर देती है। उस दिन से अनामिका एक कुल्फी बनाकर बेचने लगती है और सारे पैसे लाकर वो शारदा को दे देती है। ये कैसा व्यापार है, जैसा सोचा था उतना पैसा तो नहीं आ रहा है,
अच्छा होता अगर मैं बहू की बात ना सुन के सोने पे पैसा लगाती। इस तरह वो सोचती है, पर अनामिका बहुत ही धैर्य रखकर एक कुल्फी बना के उसे बेचती रहती है। धीरे धीरे अनामिका का व्यापार आसमान छूने लगता है। कुल्फी की बिक्री अच्छी होती है, उन्हें पैसे अच्छे मिलते हैं। वो पैसे ले जाकर रमेश को देती है। अजी, माँ का शादी का सालगिरह आ रहा है ना, चलिए उन्हें सोना खरीद के दे देते हैं। अनामिका के इस बात पर रमेश तैयार हो जाता है। फिर पैसे लेकर रमेश और अनामिका सोनार के दुकान पे जाते हैं। शारदा के पसंदीदा जेवर वो खरीदते हैं। उस रात शारदा और प्रसाद नए कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। अनामिका गहनों का बक्सा शारदा को देती है। उन जेवरों को देखकर शारदा बहुत खुश हो जाती है। बहू, तुम्हारा कुल्फी का व्यापार ऐसे ही अच्छे से चले, हम सब इस बात से बहुत खुश हैं। तुम्हारा व्यापार बहुत अच्छा है। इस तरह शारदा अपनी बहू की बहुत तारीफ करती है। तब से घर के सभी लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं और अनामिका ने जो कुल्फी का व्यापार करने का फैसला लिया था उसमें भी वो सफलता प्राप्त करती है।